तो ड्यूक, हाँ जी, हम लोगों ने ड्यूक ले ली है। तो ड्यूक क्यों ली है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि अब हम लोग आगे रोड ट्रिप करने वाले हैं, ट्रैवल ब्लॉग जाने वाले हैं, तो उसके लिए यार आरसी, वैसे देखो मेरे लिए तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू था नहीं आरसी हो या ड्यूक हो। तो मैंने सोचा कि यार जब ऑप्शन है ड्यूक हम लोग ले सकते हैं तो फिर आरसी क्यों ही लेना। तो इसीलिए हम लोगों ने ड्यूक भी परचेज कर ली है। तो अब जो रोड ट्रिप होगी वो ड्यूक पे ही होगी। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज फिर से हमारा सैटरडे आ चुका है, संडे सैटरडे सारा यही चल रहा है। लास्ट व्लॉग जो आप लोगों ने देखा था वो संडे राइड का देखा था। यार हम लोग चाहते तो कल भी वैसे जा सकते थे राइड पे, पर पता नहीं क्यों यार बड़े दिनों से मन ही नहीं हो रहा था राइड का। तो आज हमारे ऋषु भाई आए थे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि यार चलो भाई एक देवास तक का चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार चल देते हैं, बहुत दिन हो गए कोई ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ। तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई एक चक्कर लगाने के लिए देवास तक। तो अभी सबसे पहले वैसे बाइक में फ्यूल है पर हम लोग फ्यूल अप करा लेंगे। बाइक से मुझे याद आया आज आप लोगों को मीटर कंसोल अलग दिख रहा होगा, डिजिटल मीटर कंसोल दिख रहा होगा, तो आरसी नहीं है। आज हम लोग जा रहे हैं ड्यूक पे। तो अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टा हैंडल देखा है, वहाँ अगर आप लोगों ने मेरी स्टोरी देखी है तो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर आप लोगों ने वहाँ अभी तक मेरी स्टोरी नहीं देखी है तो आप लोगों ने मिस कर दिया है। वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? मेरा जो इंस्टा हैंडल है वो नीचे स्क्रीन पर आ चुका होगा, जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। इफ़ यू विश टू एक्सेस माई इंस्टाग्राम डायरेक्ट बाय द लिंक, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके वहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो ड्यूक, हाँ जी, हम लोगों ने ड्यूक ले ली है। तो ड्यूक क्यों ली है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि अब हम लोग आगे रोड ट्रिप करने वाले हैं, ट्रैवल ब्लॉग जाने वाले हैं। तो उसके लिए यार आरसी, वैसे देखो मेरे लिए तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू था नहीं आरसी हो या ड्यूक हो। तो मैंने सोचा कि यार जब ऑप्शन है ड्यूक हम लोग ले सकते हैं तो फिर आरसी क्यों ही लेना। तो इसीलिए हम लोगों ने ड्यूक भी परचेज कर ली है। तो अब जो रोड ट्रिप होगी वो ड्यूक पे ही होगी। तो हाँ, मैं ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूँ चैनल पे कि मैं बहुत जल्दी ही रोड ट्रिप पे जाने वाला हूँ। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड रोड ट्रिप के लिए। तो उसी के लिए हम लोगों ने स्पेशली ड्यूक लिया है, क्योंकि ड्यूक से हम लोग रोड ट्रिप करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो बस दिस वॉज अ सरप्राइज़ फॉर एवरी वन, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर देखा उनको पता चल गया होगा। एक्चुअली क्या यार, जो डील हमारी मैच्योर हुई बहुत जल्दी में हुई, इसलिए मैं ऐसे इंटीमेशन पहले नहीं दे पाया था बाइक हम लोग ले रहे हैं। बट हाँ, जो चीज़ आना होती है वो आ जाती है। सो हम लोगों ने फाइनली बाइक ले ली, और रोड ट्रिप हम लोग कहाँ की कर रहे हैं वो अभी आई विल नॉट डिस्क्लोज, बिकॉज थोड़ा सा सस्पेंस बने रहना चाहिए ना यार, लोगों को भी मज़ा आता है। तो रोड ट्रिप जो होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैंने जैसे बोला था कि मैं जब रोड ट्रिप करूँगा, आई विल गिव अ चांस टू ईच एंड एवरी बडी ऑफ माइन के यार जो साथी में रोड ट्रिप करना चाहता है उसको हम लोग एक चांस देंगे। सो एवरी वन हुज़ वॉचिंग दिस चैनल, अगर आप लोग चाहते हैं साथ में रोड ट्रिप करना, रोड ट्रिप एज एन लॉन्ग टू राइड करना चाह रहे हैं विद योर मोटरसाइकिल, सो जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में नीचे आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि यार आप लोग मेरे साथ रोड ट्रिप करना चाह रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ सारी पॉसिबिलिटीज़ देख के मैं आप लोगों के साथ प्लान शेयर कर दूंगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चलेंगे फिर हम लोग रोड ट्रिप पे। दिस रोड ट्रिप गोना बी लिट, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, हम लोग फ्यूल अप करा के निकल चुके हैं। मैं इंटरकॉम ऑन कर लूँ, यस इंटरकॉम भी कनेक्टेड है। तो यहाँ से यार अब हम लोग पहले लगेंगे बाईपास पे, वहाँ इट विल बी द फर्स्ट टाइम जब मैं ड्यूक को थोड़ा अच्छे से स्पर्श करके देखने वाला हूँ। तो ओवरऑल आप लोगों को एक शॉर्ट काइंड ऑफ रिव्यू तो नहीं यार, रिव्यू तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे ड्यूक 390 के, बट काइंड ऑफ एक मेरा जो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस है, हम दोनों शेयर दैट, एक बार मैं थोड़े सा अच्छा इसको स्पर्श करके देख लूँ बाइक को। वैसे यार अगर हम लोग बाइक की मिड पावर की बात करें, आरसी कैसा है, तो सर आरसी के इनिशियल में और इसके इनिशियल में डिफरेंस है। बेसिकली आरसी का जो पावर है ना, आरसी आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देती है, आपने थ्रॉटल ट्विस्ट करा रिस्पॉन्स तो देती है, ये भी दे रही है, बट
उसके ना ऐसे लीनियर है, पावर डिलीवरी जो उसकी है वो लीनियर है। इट सीम्स लाइक आर सी आपको मेरी कार देखो वैसे भी डी एस पी वेरियंट है, तो उसका राइड बाय वायर उसमें वैसे बेसिकली है नहीं। अब राइड बाय वायर नहीं होने के कारण क्या होता है, मैनुअल थ्रॉटल है उसका, आप जहाँ थ्रॉटल क्लोज करते हो उसका इंजन बहुत क्लोज से रिएक्ट करता है यार। और उसमें राइड बाय वायर है, स्लिपर फ्रेश तो उसमें भी है, बट राइड बाय वायर का सबसे बड़ा फर्क क्या हो गया है कि आपका थ्रॉटल जो है वो गदर का स्मूथ चलता है, ठीक है। तो पावर डिलीवरी आपको आती है, अगर आप लोग ऐसे ड्रैग की बात करें तो यार ऑल्सो एरोडायनामिक्स एंड एर्गोनॉमिक्स आरसी वैसे भी आगे निकलेगी, और उसका शेप वैसा है, वो बनी उस काम के लिए है। टूरिंग के लिए यार ड्यूक इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स। मैं चाहता तो एडवेंचर भी ले सकता था, बट यार आई डोंट नो व्हाई एडवेंचर मुझे कोई अच्छी खैर डील मिली भी नहीं और मज़ा नहीं है यार जितना ड्यूक में। तो दैट्स व्हाई आई बॉट ड्यूक। और ड्यूक का अगर आप लोग पावर डिलीवरी की बात करो, वंस यू शिफ्ट सेकेंड थर्ड गियर उसके बाद बहुत सुख में जो ये मज़ा देती है ना भाई, लिटरली मज़ा इसका बहुत तगड़ा आता है फोर्थ सिक्स मिड गियर्स में। और आरसी की बात करें तो आरसी तो अगर आप हर गियर पे फील देती है, तो ये एक स्लाइट डिफरेंस है। पर स्मूथनेस की अगर आप बात करें, आरसी बीइंग अ बीएस3 वेरिएंट और उसमें जैसे राइड बाय वायर नहीं है, तो मेरी आरसी बिल्कुल स्मूथ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रॉ है अगर हम लोग पावर की बात करें। और इस बाइक की अगर हम लोग व्यू की बात करें तो दिस बाइक इज़ टोटली ऑपोजिट अगर हम लोग आरसी से कंपेयर करें। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, रिस्पॉन्स है, बट एकदम टेंशन रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसका रिस्पॉन्स बहुत लीनियर है आरसी के कंपेरिजन में। तो एक बार इसको तरीके से चला लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मैं ओवरऑल रिव्यू बताता हूँ कैसा क्या है फुल स्टेशन। हाँ अगर यहाँ तो रोज ही होती है। ब्रेकिंग वाइज भी ना यार इसके ब्रेक जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूवड है, बिकॉज डिस्क साइज जो है वो बड़ा कर दिया था KTM ने, इसका थोड़ा सा डिस्क बड़ा कर दिया है। साथ ही साथ में ब्रेक पैड्स जो हैं वो इसमें इम्प्रूव ब्रेक पैड्स दे रहे हैं KTM, बट बिकॉज ऑफ एरोडायनामिक गाड़ी का जो टोटल शेप है अगर हम लोग बात करें, उस वजह से आरसी क्या है बीइंग अ फुली फेड स्पोर्ट्स सेगमेंट बाइक, उसकी ब्रेकिंग थोड़ी कॉन्फिडेंट लगती थी हम लोगों को, जहाँ एज एन लगता था पैनिक ब्रेकिंग में भी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। ड्यूक की अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल, तो देखो बहुत ज़्यादा फ्रंट माउंटेड नहीं है, टायर इज जस्ट बिलो द हैंडल बार, तो थोड़ा सा ब्रेकिंग है ना ऐसे आपको व्हाट डू वी से प्रेशर लगता है हैंडल बार पे। और आरसी अगर हम लोग बात करें, आरसी की ब्रेकिंग इज डैम स्मूथ, यही एक मोटा डिफरेंस है अगर हम लोग दोनों की ब्रेकिंग में बात करें तो। एल्स वाइज मैंने आपको यार देखो पावर डिलीवरी और थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो दोनों का बता ही दिया है, फिर अब जब मैं राइड करूँगा यू वाना रियलाइज योर सेल्फ, बिकॉज आरसी आप लोगों ने मुझे देखा है स्ट्रेच करते हुए, आज ड्यूक भी देखेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ ही जाएगा क्या है क्या नहीं है। अभी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग हाल फिलहाल पहुंच चुके हैं मेघदूत ढाबा पे, जो हमारे फ्रेंड है मंदीप जी उन्हीं का ये ढाबा है। तो वो यार बहुत दिनों से हम लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि आप लोग ढाबे पे आइएगा मील्स के लिए, हम लोग आ नहीं पा रहे थे कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, हम लोग कहीं बिजी थे, टाइम भी इतना मिल नहीं रहा था। सो अभी हम लोग जैसे आए हैं, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ पे, बस हम लोग चाय कॉफ़ी और थोड़े बहुत स्नैक्स लेके रिटर्न निकलेंगे इंदौर के लिए, क्योंकि एक बहुत छोटी सी राइड थी है, ज़्यादा हम लोगों ने ऐसे एज एन डिनर वगैरह के लिए प्लान नहीं करके आए थे। तो यहाँ से जैसे हम लोग अब इंदौर जाएंगे, इंदौर में भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम लोगों को आज डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, लेट्स सी आगे का जो हमारा प्लान है वो कैसा होता है। वैसे यार आज जो वेदर है वो वेदर हमारा बहुत अच्छा हो रहा है आज पूरा, अब भी जस्ट बारिश रुकी है, जैसे मैं व्यू आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, आप लोग क्लाउड्स देख सकते हैं, बारिश अब भी जस्ट रुकी है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत प्लेजेंट वेदर है एक्चुअली राइड के लिए, इसलिए हम लोग आज राइड पे बाहर आए थे। और हमारी बाइक्स आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, मेरी ड्यूक और हमारे ऋषु भाई की ड्यूक, दोनों आज हम लोग ड्यूक से आए हैं, दैट टू दोनों वाइट ड्यूक्स हैं, कॉन्ट्रास्ट दोनों का मैचिंग है। सो यहाँ हम लोग अभी चाय वगैरह ले लेते हैं, स्नैक्स लेके, फिर हम लोग रिटर्न जब निकलेंगे तो मैं आप लोगों से वापस अब मिलूँगा मोटो ब्लॉग करते हुए। अब हम लोग सीधे बाइक की बात कर रहे हैं।
सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बियर्ड कैसे ट्रिम हो गई और अटायर पूरा कैसे चेंज हो गया। जस्ट लाइक के उस दिन जब मैंने आपको बोला था कि आगे की बातें हम लोग मोटो ब्लॉग पर करते हैं, एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा तेज शुरू हो गई थी, साथ ही साथ जो विंड फ्लो था वो भी बहुत तेज़ था। तो यार यू ऑल नो कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और विंड बहुत ज़्यादा होती है तब थोड़ा सा अनईजी हो जाता है एक्शन कैमरा आगे सेटअप पे लगा के और व्लॉग करना। रीज़न ड्रॉपलेट्स जो होता है वाटर ड्रॉपलेट्स वो आ जाते हैं आगे स्क्रीन पे, साथ ही साथ में यार विंड का जो विंड ब्लास्ट आता है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। और इस बार आरसी थी नहीं है और आरसी नहीं होने की वजह से वाइज़र भी नहीं था हमारी ड्यूक में, अभी वाइज़र इंस्टॉल कराया नहीं है जो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यार वो थोड़े से इशूज़ थे, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि घर जाने के बाद ही इस वीडियो का एंडिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। सो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ आर न्यू बाइक। सो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को सरप्राइज़ कैसा लगा, साथ ही साथ जो मैंने हमारा रोड ट्रिप का आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया था, डिस्कशन नहीं काइंड ऑफ जो एक लोकल लिसनिंग आप लोगों को दी थी कि हम प्लानिंग अ रोड ट्रिप इन कमिंग मंथ अक्टूबर में। सो रोड ट्रिप जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, तो उसके लिए आप लोग अभी से प्रिपेयर रहें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे जो रोड ट्रिप के पिक्चर्स होंगे जो भी स्टोरीज होंगी सारी इंस्टा पे इंस्टेंट आती है, ऑन द गो सारी हम लोग शूट करते हैं। व्लॉग पर देखो विद इन अ डे और टू गैप में आता है क्योंकि रेंडर करना एडिट करना उस समय टाइम हो जाता है और उस समय हम लोग वो मोमेंट एंजॉय करते हैं ना, तो हाथों हाथ इस सारी चीज़ को एडजस्ट करना और आप लोगों के लिए पब्लिश करना पॉसिबल नहीं हो पाता। स्टिल आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, जब मैं रोड ट्रिप पे रहूँगा तो ये सारी चीज़ें विद द टाइम चलती रहे साथ ही साथ ऑनगोइंग। और उसके लिए जो भी मेरे यार दोस्त भाई लोग इंटरेस्टेड हैं जो साथ में रोड ट्रिप करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ, वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, अगर पर्सनली मुझे जानते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम लोग आगे श्योरली उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा ये विद द टाइम मैं आप लोगों को धीरे धीरे डिस्क्लोज करते जाऊँगा। और ये बात तो पक्की है कि हम लोग नई बाइक से या नहीं हमारी ड्यूक से रोड ट्रिप पर जाने वाले हैं। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे तो फॉलो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग होती रहे, हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो, ताकि जो आपका भाई मेहनत कर रहा है ये सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें। इसी नोट पर करते हैं हम लोग इस वीडियो को एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।